कोण असेल मानकरी 2018 जनता कोणाला देणार तो? सांगलीच्या दुरावस्थेला कोण आहे जबाबदार? पूर्तता झाली का आश्वासनांची? काय असेल पुढील विकास कामाचे नियोजन? प्रभागाच्या मूलभूत समस्या खरंच मार्गी लागल्या आहेत का? लोकसत्तेत ती येत आहे आपल्या प्रभागामध्ये याच प्रश्नांचा पाठपुरावा करण्यासाठी. महापालिकेचा महारण संग्राम. नमस्कार. लोकसंदेश न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत. मी मनीषा जयप्रकाश. पाहूया सविस्तर बातमी. सांगली महापालिका निवडणूक प्रभाग क्रमांक 18 मधील भाजपचे उमेदवार नसीमान नाईक, महिंद्र उर्फ बाळू सावंत, स्नेहा सावंत, शैलेश पवार यांची प्रचारसभा शामराव नगर येथे पार पडली. यावेळी प्रमुख पाहुणे महाराष्ट्र भाजपचे अल्पसंख्याक अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी यांनी या सभेमध्ये भाजप सरकारने मुस्लिमांसाठी ज्या योजना राबवल्या आहेत त्याची सविस्तरपणे संपूर्ण माहिती सांगितली. शामराव नगरमधील नागरिकांना आज ज्या परिस्थितीतून जावे लागत आहे त्यासाठी फक्त आणि फक्त सत्ताधारी जबाबदार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जर ही परिस्थिती बदलायची असेल तर आपण भाजपच्या सर्व उमेदवारांना निवडून द्यावे असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. यावेळी नागपूरचे भाजप प्रदेश महामंत्री इम्रान मुजावर, रज्जाकभाई नाईक, संदीप दळवी आदी कार्यकर्ते तसेच या भागातील महिला पुरुष व युवा वर्ग मोठ्या संख्येने हजर होते. जब सुधीर दादा गाड़गे अपने इस मोहल्ले में आए तो उन्होंने उसी दिन 150 ट्रक मुरुम डालने का काम किया. क्यों डाला? कि नहीं डाला? और वहीं पे नहीं रुके. सुधीर दादा गाड़गे ने फाइल बना कर रखा है और जिस दिन आचार संहिता हटेगी आपके घर के सामने डामर रोड का काम शुरू हो जाएगा. उस फाइल को मैंने देखा है, मैं गवाही देता हूं. जैसा कि डब्बा शादी ब्याह में खरीद कर लाते हैं आप लोग, वैसे ही डब्बे में सरकारी पानी मिलेगा आपको और वो भी मुफ्त मिलेगा. ये व्यवस्था महानगर पालिका की तरफ से हम करने वाले हैं. भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में सरकार है, महाराष्ट्र में सरकार है और अगर वो सरकार आपके सांगली में भी बन जाती है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी बस्ती पिछड़ी नहीं कहलाएगी. मेरी सुधीर दादा गाड़गिल से बात हुई है. आपके पराकों का जो आरक्षण है, आपका प्लान जो गुड्ढेवारी में है, उसको पहला काम प्रस्ताव बनाने कर मुंबई भेजने का और आरक्षण हटाने का काम हमारी सरकार करने वाली है. मैं आपको यहां पर यकीन दिलाता हूं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ सांगली में गुंठेवारी के प्लॉट हैं जो अनऑथराइज है. पूरे महाराष्ट्र में ऐसी बहुत सारी बस्तियां थे लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोगों ने उनको आरक्षण नहीं हटाया, रिजर्वेशन नहीं हटाया, उनको उसी दर्द में रखा. जहां जहां महानगर पालिका में हमारी सरकार आई हमने आरक्षण हटाकर उसको रेगुलराइज करने का काम किया है. आपके बस्ती का भी हम आरक्षण हटाने वाले हैं. भारतीय जनता पार्टी का मकसद है सबका साथ सबका विकास और उसमें सबका साथ मतलब हिंदू का साथ, मुस्लिम का साथ, सिख का साथ, ईसाई का साथ, पारसी का साथ, बौद्ध भाइयों का साथ, सबको साथ लेकर सबका विकास हो. इसीलिए भारतीय जनता पार्टी राजनीति में काम कर रही है. आपने देखा होगा कि यहां पर जो चुनावी उम्मीदवार है उसमें सभी समाज के लोग हैं. जो लोग हमारे मुस्लिम भाइयों को गुमराह करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन पार्टी है, गुमराह करके वोट लेते हैं, मैं उनको इस मंच के माध्यम से चैलेंज कर
करता हूं कि आइए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की सूची देखिए। आप अगर उम्मीदवारों की सूची देखेंगे तो 9 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम समाज को दिया है, और तुमने क्या दिया? कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोग मुसलमानों के बड़े हमदर्द होते हैं, जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी ये मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन आज उम्मीदवारी देने की बात आई तो उन्होंने सिर्फ 4 उम्मीदवार दिए हैं कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोगों ने मिलकर। आपको फैसला करना है कि सही मानो में आपका दोस्त कौन है, आपकी दुश्मन कौन है।